अगली खबर में बात करते हैं भोपाल की, जहां एक युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर की गला रेतकर हत्या कर दी। युवती का शव बड़ा तालाब स्थित बोट क्लब के पास मिला। घटना शनिवार देर रात की है। श्यामला हिल्स पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो आरोपी की बाइक नंबर के आधार पर पहचान हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बताया कि 3 महीने से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। आरोपी को शक था कि युवती का कहीं और अफेयर चल रहा है। इसी शक में उसने युवती की जान ले दी। पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू बरामद कर लिया है। घटना के बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया था। डीसीपी रियाज इकबाल ने बताया कि 30 साल की इकरा उर्फ रोजी करोंद की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहती थी। वह एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जॉब करती थी। मोहसिन खान के साथ लिविंग में रह रही थी। मोहसिन की हरकतों से तंग आकर इकरा ने निसादपुरा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वर्तमान में इकरा अपनी बहन के साथ ऐसबाग इलाके में रह रही थी। शनिवार देर शाम मोहसिन ने इकरा को मिलने बुलाया। वह बात करने के लिए उसे बाइक पर बैठाकर बोट क्लब लेकर पहुंचा। इकरा रात 9 बजे मोहसिन के साथ होटल रंजीत के पास इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी। यहां दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान मोहसिन ने कमर से चाकू निकाला और इकरा के गले पर बाईं तरफ हमला कर दिया। हमले में इकरा लहूलुहान होकर गिर गई। आरोपी बाइक लेकर मौके से भाग निकला। सूचना मिलते ही श्यामला हिल्स पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इकरा को हमीदिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो आरोपी की बाइक के नंबर से उसकी पहचान हो गई। पुलिस ने उसके मोबाइल पर कॉल लगाया तो स्विच ऑफ मिला। पुलिस का शक गहरा गया। इसके बाद पुलिस की एक टीम करोद पहुंची। आरोपी मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया। वह शहर से भागने की तैयारी में था। मोहसिन भी प्राइवेट जॉब करता है। उसने पुलिस को बताया कि वह इकरा से निकाह करने वाला था, लेकिन विवाद की वजह से नहीं कर सका।